इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और भी टॉपिक्स जो हैं मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज मिलते रहेंगे। आज का टॉपिक है फ्यूज़न एंड फिजन। फिजन मतलब होता है किसी भी एटम का, लार्जर एटम का स्प्लिट हो जाना, मतलब टूट जाना। अब वो टूट कर किस एटम्स में टूटेगा, छोटे छोटे एटम्स में टूट जाएगा बड़े में से। तो इस तरीके के प्रोसेस, जब कोई भी प्रोसेस से कोई लार्जर एटम स्मॉलर वन में टूट जाए, उसको फ्यूज़न बोलते हैं। फ्यूज़न में क्या होता है कि स्मॉलर जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करके एक लार्जर एटम बनाते हैं, उसको फ्यूज़न कहते हैं। अब इनऑर्गेनिक में हमने स्टडी करने हैं न्यूक्लियर फिज़न और न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फिज़न एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न बेस्ड होता है न्यूक्लियस के, ठीक है। तो वहाँ पर ऊपर एटम्स हमने डेफिनेशन में मेंशन किया है, अब यहाँ पर हम न्यूक्लियस को मेंशन करेंगे। अब इस रिएक्शन में, न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन में, हैवी न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो जाएगा। क्या ब्रेक होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? जो किसी भी सेंटर में किसी भी सेल किसी भी चीज़ को डायरेक्ट करे उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब जब ये टूटेंगे उसके साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकलती है। एंड ये किस में अक्कर होते हैं, मतलब हैवी न्यूक्लियस में ही ये पॉसिबल है। अगर स्मॉलर न्यूक्लियस है तो वहाँ पर जो है फ्यूज़न पॉसिबल नहीं होती है। अब हमने फ्यूज़न स्टडी कर ली है दो पॉइंट्स, अब इसको हम कंपेयर करते हैं फ्यूज़न के साथ। अब फ्यूज़न में क्या होता है, इस रिएक्शन में स्मॉलर न्यूक्लियस जो है वो कंबाइन करके लार्जर वन बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी है वो रिलीज़ नहीं होती है। एंड ये किस में अक्कर होते हैं, लाइटर न्यूक्लियस में ही पॉसिबल होती है। तो ऑब्वियस बात है कि लाइटर न्यूक्लियस है हमारे पास, वहाँ पर क्या होगी, फ्यूज़न होगी। अगर लार्जर वन है तो वहाँ पर फ्यूज़न होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर अगर देखें तो फ्यूज़न में टेम्परेचर लो और ऑर्डिनरी होना चाहिए, एंड फ्यूज़न में हायर टेम्परेचर रिक्वायर होता है। एंड कितना होता, यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो देख लेते हैं, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो रिलीज़ होती है फ्यूज़न में। एंड फ्यूज़न में जो है वो बहुत ही कम अमाउंट की एनर्जी रिलीज़ होती है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बता दिया था कि लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में रिलीज़ होती है, फ्यूज़न में। एंड लोअर जो एनर्जी है बहुत ही माइनस एनर्जी रिलीज़ होती है। एंड जो फ्यूज़न रिएक्शन है वो कंट्रोल हो सकती है, फ्यूज़न रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो जो प्रिंसिपल है एटम बॉम्ब का वो किसके बेस पर होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन के। एंड जो हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो बेस्ड होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न के। एंड न्यूक्लियर जो फ्यूज़न होता है उसमें मटेरियल जो यूज़ होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। अगर वो रेडियो एक्टिव मटेरियल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है वो किस रिएक्शन में यूज़ होंगे, फ्यूज़न रिएक्शन में। फ्यूज़न रिएक्शन में रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता है। एंड फ्यूज़न रिएक्शंस में फ्यूल जो होता है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज वो लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट इन केस ऑफ फ्यूज़न हम फ्यूल को स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज वो प्लाज्मा फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर यूरेनियम दिया है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है एंड एटॉमिक मास 235 है। यूरेनियम जब न्यूट्रॉन के साथ कंबाइन करता है तो यहाँ पर बेरियम एंड क्रिप्टन बनता है, एंड न्यूट्रॉन जो है वो निकल जाता है एंड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। एंड इन केस ऑफ फ्यूज़न लिथियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके एक हीलियम का फॉर्म बनाता है, और उसके साथ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। सो आई होप आपको समझ आया है। अगर आपको इनके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आप मेरे इनऑर्गेनिक के हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।